हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट संतोष भरत और डब्ल्यू एस गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। जी हाँ, टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपकी बैनर्स की डिज़ाइन हो, चाहे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन हो, चाहे आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिज़ाइन हो या आईफोन एप्लीकेशन की डिज़ाइन हो। ओवरऑल जितनी भी हम डिज़ाइन बनाएंगे अभी इन द फ्यूचर, जितने भी असाइनमेंट बनाएंगे, टेक्स्ट ऑब्वियसली हर जगह आपका रोल प्ले करेगा। तो टेक्स्ट, ना केवल हम टेक्स्ट टाइप करने के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड, और इसके सारे के सारे सब मेन्यू की भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा डिटेल वीडियो भी होने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर इससे पहले अगर आपको मूव टूल, मार्क्यू टूल, लासो टूल, क्विक सेलेक्शन टूल, इन सब के बारे में अगर डिस्कस करना है एंड शेप टूल के बारे में देखना है या उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो उनके सेपरेट वीडियो हमने बना रखे, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं हम टेक्स्ट टूल के बारे में। अभी हमने यहाँ पे एक पीएचडी ले रखी है जिसको हम टाइटल्ड कह देते हैं, अनटाइटल्ड जो है टेक्स्ट टूल कह लेते हैं, फाइन। और विथ हमने फिलहाल एग्जांपल के तौर पे 500 पिक्सल लिए, हाइट भी 500 पिक्सल दी है, रेजोल्यूशन 72 पिक्सल पर इंच, आरजीबी कलर मोड, 8 बिट और वाइट बैकग्राउंड के साथ हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे सेकेंड वीडियो में, जिसमें हमने फोटोशॉप के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। अब क्रिएट करते हैं न्यू फाइल को। तो हमारे पास 500 बाय 500 की एक पीएसडी ओपन हो गई है, ये वर्क स्पेस में हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमें यूज करना है टेक्स्ट को। हमने मूव टूल ये सब तो डिस्कस कर ही लिया था, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल को। तो टेक्स्ट टूल को शॉर्टकट है टी, और यहाँ से टूल मेन्यू में आप यहाँ पे ये जो टी का आपको सिंबल दिख रहा है वो आपका टेक्स्ट टूल है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसके अलावा इस टेक्स्ट टूल में और भी ऑप्शन है, जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, तो ये चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो है, जनरली देखिए टेक्स्ट से आप अवेयर हो गए कि हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई स्ट्रिंग लिखनी है, कोई वर्ड लिखना है, तो वो एक तरह से आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए टेक्स्ट टूल आता है। ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। टेक्स्ट टूल जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ पे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक किया, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया मेरे पास ये लॉरेन इप्सम लिखा हुआ पहले से आ गया। अब अगर अडोब फोटोशॉप सीसी अगर आपका फोटोशॉप का जो वर्जन है वो है, तो ये जो आप टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे तब ये लॉरेन इप्सम बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा। अगर सीसी से पहले के अगर आपके वर्जन जैसे CS6 है एंड ऑल है, तो आपका ये जो लॉरेन इप्सम है बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है पिछले में और इसमें। अब ये लॉरेन इप्सम क्या चीज़ है वो बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम बैनर्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं या कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो उन सब के लिए हमें चाहिए होता है ऑब्वियसली कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। तो इमेजेस तो चलो हमने बना दी या फिर कहीं से उठा के लगा दी, XYZ हमने कर दिया। अब हर चीज़ का टेक्स्ट लिखना ये पॉसिबल होता नहीं। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो हमारे होते हैं, यानी जिनके लिए हम वेबसाइट की डिज़ाइन या कोई और डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनकी तरफ से भी हमें टेक्स्ट आता नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डमी कंटेंट लिखना पड़ता है। अब डमी तो ऐसा नहीं हम कुछ भी टाइप कर लें, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, ऑब्वियसली बात है, तो हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लॉरेन इप्सम में कैसा डमी कंटेंट है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे भी इस केस में भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी टेक्निकल पर्सन जो PhD का भी अवेयर करता हो या फिर डेवलपर की भी बात करें, वो ये जानते हैं कि लॉरेन इप्सम एक डमी कंटेंट होता है जिसका मीनिंग कुछ नहीं निकलता, लेकिन वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेट करने के लिए लिया होता है ताकि हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो प्रॉपरली परफेक्ट है, कि जहाँ पे टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे प्रॉपरली टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हैं डमी कंटेंट तो वो भी आप लिख सकते हैं, आपका एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखा तो वो भी चलेगा। तो ऐसा जो है ना, लॉरेन इप्सम लेना ही लेना है, लेकिन लॉरेन इप्सम क्या चीज़ है ये आपको पता भी होना चाहिए, तो वो हमने पॉइंट ले लिया। अब लॉरेन इप्सम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब सपोज करिए मुझे इस टेक्स्ट का, ये जो लॉरेन इप्सम लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे लिखना है वेलकम एट WsCubeTech यूट्यूब चैनल, तो ये हमने लिख दिया। और मैं इसको मूव टूल की हेल्प से सेंटर पे एक बार कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो यहाँ पे अभी आप नोट करेंगे येलो कलर होने की वजह से ये मुझे प्रॉपरली नहीं दिख रहा, तो पहले हम क्या करते हैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दोबारा लिखना पड़ रहा है, ओके।
तो अब मुझे क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो वेलकम है wscriptech.com लिखा हुआ है, इसका कलर मुझे प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर मुझे अगर प्रॉपरली विजिबल कराना है तो ऑब्वियसली व्हाइट के ऊपर मैं येलो कलर नहीं यूज कर सकता। अगर आपको ध्यान होगा फोटोशॉप का जो हमने वीडियो बनाया था सेकेंड वीडियो, तब हमने तीन कॉन्सेप्ट पे बात की थी, क्रिएटिविटी, अलाइनमेंट एंड कलर कॉम्बिनेशन। तब उस पॉइंट पे हमने एक टॉपिक ये लिया था कि आप लाइट के ऊपर लाइट कलर नहीं ले सकते, क्योंकि जो ऊपर का कलर है वो कभी भी प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, या डार्क के ऊपर डार्क कलर नहीं ले सकते। तो बैकग्राउंड लाइट है तो उसके ऊपर का जो भी कलर होगा या जो भी लेयर होगी उसका जो कलर होगा वो हमेशा डार्क होना चाहिए या थोड़ा सा उससे ब्राइट होना चाहिए, तो वो प्रॉपरली विजिबल हो। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो ये येलो कलर है ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा इस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। तो अगर मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट टूल का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल करूंगा। मेरा ये कर्सर चल ही रहा था, कंट्रोल ए से जैसे हम नॉर्मली वर्ड में सेलेक्ट ऑल करते हैं वैसे सेलेक्ट ऑल किया मैंने, और यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो आपको मेन्यू के बाद में ये जो सब मेन्यू दिख रहा है टेक्स्ट टूल का, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक ये देखिए बॉक्स बना हुआ आ रहा है यहाँ पे कलर का जिसमें येलो कलर फिल है। तो इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ये कलर चेंज करूंगा और जो भी मुझे यहाँ से कलर चाहिए मैं आराम से कलर चेंज करके इसको ओके प्रेस कर दूंगा। फाइन, तो आप अब देखेंगे कि मेरे पास ये ब्लैक कलर में प्रॉपरली विजिबल आ रहा है जिसमें लिखा है वेलकम एट wscriptech यूट्यूब चैनल। तो ये चीज हो गई पॉइंट क्लियर। तो कलर जब भी चेंज करना हो हम यहाँ से सब मेन्यू में जाके क्लिक करके कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कलर पिकर का एक अलग सेपरेट वीडियो है जो आगे बनने वाला है, तो हम डिटेल में बाकी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने शेप टूल में इस एरिया के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं कर रहे। तो सिंपल सा पॉइंट पे आ जाएंगे कि अगर आपको कलर मल्टीपल कलर में से कोई भी इनमें से कलर चाहिए तो आप बस सेलेक्ट करिए, और उसका लाइट या डार्क मोड में चाहिए तो आप यहाँ से शेड चूज कर सकते हैं, एंड ओके प्रेस करते ही वो कलर यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करके रखेंगे सिर्फ उसी का ही कलर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमारे पास ये एक कलर चेंज का ऑप्शन आ गया। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आता है कि मान लीजिए जैसे ये youtube.com एक लाइन में लिखा होता, अब मैं चाहता हूँ जो ये youtube.com ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, क्योंकि अभी आप नोटिस कर रहे होंगे वेलकम एट wscriptech तो लिखा हुआ है लेकिन यूट्यूब चैनल ये पूरा क्रॉस कर गया मेरी PhD को, तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में। तो जब भी आपके पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमारे पास दो एंटर होते हैं, किसी का छोटा कीबोर्ड होता है तो एक ही होता है, वो अलग केस है, बट मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसमें दो एंटर है, एक एंटर मेरा नम की के पास में और दूसरा एंटर मेरा कैरेक्टर की के पास में। अगर मैं कैरेक्टर की के पास वाला एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे ये मेरा कर्सर है, अगर मैं कैरेक्टर की के पास अगर एंटर करता हूँ तो ये जो लाइन है उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, जैसा कि नॉर्मल वर्ड में भी होता है, हम एंटर प्रेस करते हैं और आ जाता है। लेकिन अगर मैं नम की के पास जो एंटर है उसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं इस टेक्स्ट से बाहर आ जाऊँगा। क्यों? अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये टेक्स्ट टूल अभी एक्टिव है, मुझे मूव टूल एक्टिव करना है जिसका शॉर्टकट है V, फाइन। तो यहाँ से मेरी लेयर है, सपोज करता हूँ ये लेयर मेरी सेलेक्टेड थी सेकेंड नंबर वाली, ये वेलकम मैट वाली सेलेक्टेड नहीं थी, तो ये मेरी एक लेयर बनी हुई थी। अब मुझे अगर इसको सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं मूव टूल की हेल्प लूंगा और मैं यहाँ पे इसको ऑटो सेलेक्ट कर दूंगा, फाइन। तो ये मेरी लेयर सेलेक्ट हो गई। अगर यही केस अगर यहाँ पे पहले कर्सर एक्टिव होता और मैं वी प्रेस करता तो वो टाइप हो जाता। तो शॉर्टकट्स हम जब यूज करेंगे, जो भी जी वी एम जितने भी शॉर्टकट्स हैं, अगर वो हम यूज करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ वाले नहीं, नॉर्मल डायरेक्ट शॉर्टकट जैसे मूव टूल का शॉर्टकट है वी, तो वो जितने भी हम यूज करना चाहते हैं वो हम ऐसे टाइप तो नहीं कर सकते, तो पहले हमें इसके बाहर आना पड़ेगा और फिर वी प्रेस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आपके पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है, आपके पास नॉर्मल छोटा कीबोर्ड है या लैपटॉप का कीबोर्ड है जिसमें एक ही एंटर है, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी अगर कर्सर एक्टिव है तो सिंपल सा आपको एक चीज करना है, आपको एस्केप दबा देना, एस्केप दबाते ही आप उस टेक्स्ट के कर्सर से बाहर आ जाओगे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्केप के अलावा आप एक और ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई भी दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लीजिए, आप तब भी बाहर आ जाओगे। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल काम आता है जिसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हमें चाहिए, एंड एंड कैरेक्टर की के पास वाला जो एंटर है वो नेक्स्ट लाइन के लिए, और नम की के पास वाला जो एंटर है वो
टेक्स्ट के कर्सर से बाहर निकलने के लिए एस्केप भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं, या कोई दूसरी लेयर सेलेक्ट करके भी आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये पॉइंट सिंपल सा है, इजी वाला है। अब आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे। तो ये मेरा टेक्स्ट टूल है, ओके। इसमें मेरे पास पहला ये जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉन्ट फैमिली का। आपके पास दुनिया भर की फॉन्ट फैमिली होगी आपके सिस्टम के अंदर। ये आप यहाँ पे नोटिस करें, काफी सारी फॉन्ट फैमिली आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। तो आप कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो, और आप अगर अडोब फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा पहले, फिर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में TTF फाइल जैसे फॉन्ट्स के आते हैं जनरली, उसको आप इंस्टॉल करेंगे, और आपका अगर फोटोशॉप 2000 अडोब फोटोशॉप CC है, तो उसमें क्या होता है कि आपने जब भी फॉन्ट इंस्टॉल किया तो आपको फोटोशॉप क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉन्ट्स यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अडोब फोटोशॉप CC के पहले का अगर कोई वर्जन है तो क्या होगा कि आपने कोई भी अगर नया फॉन्ट इंस्टॉल किया जो पहले यहाँ पे लिस्ट में नहीं था, तो उस केस में आपको पहले फोटोशॉप क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो जो फॉन्ट्स है या फॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये सिंपल सी फॉन्ट फैमिली हमारे पास अवेलेबल है जो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे चेंज कर सकते हैं। जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, ध्यान रखिएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट की ही फॉन्ट फैमिली चेंज होगी, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, रोबोटो थी, फिर ओपन सेंस करी, फिर प्रॉक्सी नोवा करी, और भी जितने भी फॉन्ट्स है देखिए यहाँ से चेंज हो रहे हैं, फाइन। तो जितने भी फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल है इन सब की फॉन्ट फैमिली हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में आता है हमारे पास रेगुलर, थिन, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक। तो नाम से अंडरस्टूड है कि इन फॉन्ट फैमिली के साथ हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आती है। पहले किसी टाइम में चलता था सिर्फ बोल्ड, फिर बोल्डर भी आया, अब एक्स्ट्रा बोल्ड भी है, ब्लैक भी है, लाइट भी है, थिन भी है, एक्स्ट्रा लाइट भी है। तो हर फॉन्ट फैमिली अपने साथ कई सारी प्रॉपर्टीज रखती है। तो अगर मुझे ये जो फॉन्ट है इस फॉन्ट फैमिली के साथ रेगुलर नहीं रख के थिन रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि मैं किस तरीके से इसको यूज करना चाहता हूँ, तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, यहाँ से थिन, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, जैसे फॉन्ट फैमिली आपने इंस्टॉल कर रखी है वैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मुझे फॉन्ट साइज चेंज करनी है, सपोज करिए जैसे मैंने लिख दिया वेलकम एट यूट्यूब चैनल है, इसकी जो फॉन्ट साइज अभी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पूरे स्ट्रिंग की, तो वो है 32 PT। PT से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 32 PT यानी 32 pixels ही है, तो ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट पिक्सल एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 32 pixels अभी इसकी साइज है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यूट्यूब चैनल जो है इसकी साइज जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया आप अगर नोट करेंगे वो टेक्स्ट की मैंने साइज बढ़ा दी, और बाकी जो टेक्स्ट है वो एज इट इज पहले जैसा था वैसा ही है। तो मैंने यहाँ पे दोनों की साइज डिफरेंट कर दी, यानी कि आप दो अलग अलग लेयर बना के काम करें या एक ही लेयर में किसी पर्टिकुलर फॉन्ट्स को या किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करके आप उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली भी, और उसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आप अलग दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि फिक्स आपने एक सेट पैटर्न कर दिया कि वही चाहिए, तो वो चीज़ भी जरूरी नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा देना चाहे वैसे दे सकते हैं, फाइन। फिर मेरे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, ऐसे करके मेरे पास ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप इसको शार्प देना चाहें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको शार्पनेस और ये सब थोड़ी क्लियर हो जाए। जरा मैं इसको क्रिस्प करता हूँ तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। तो जैसी ये प्रॉपर्टीज है स्मूथ करना है वैसे ये फॉन्ट्स हो जाएंगे आप नोटिस करें तो, फाइन। जनरली हम इसको शार्प रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और किसी किसी केस में स्मूथ भी रखते हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अभी फिलहाल शार्प रख दिया, फाइन, परफेक्ट। अब एक आपने पहले जब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज सॉरी एक ही थी, तो आपने देखा होगा ये लेफ्ट अलाइन है बाई डिफॉल्ट, ओके। तो अगर आपको इसको लेफ्ट अलाइन नहीं करके सेंटर अलाइन करना है तो आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसको सेंटर अलाइन नहीं करके राइट अलाइन करना है तो भी आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। तो
नॉर्मल जैसे वर्ड में आप यूज करते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, वैसे ही ये चीज काम करती है, कोई इसमें अलग से कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो टेक्स्ट टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, शार्पनेस, लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन की बात कर ली, एंड ऑब्वियसली कलर की बात कर ली। तो कलर में भी हमने बात कर ली थी कि कलर में अगर आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इन केस अगर आपका जो भी कलर है या फिर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है कोई कलर, तो आराम से आप यहाँ से उसका हेक्स कोड और ये सब भी दे सकते हैं। हालांकि सारे तरह के कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर किसी का हेक्स कोड और वो सब आरजीबी कलर कोड पता है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये सब हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, किसी भी टेक्स्ट की मैं कितनी भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ ना केवल ये पॉइंट आता है, अभी और भी टॉपिक्स आएंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, जो ये कलर का जो ऑप्शन था उसके जस्ट बाद एक आर्क का ऑप्शन बना है, इसको फिलहाल एक बार स्किप करेंगे, इसको एंड में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं या थोड़ा सा डिटेलिंग टॉपिक कह सकते हैं, तो इस पर भी हम आएंगे। तो अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करूँ यानी इस स्ट्रिंग की बात करूँ, तो मैंने जब इस आइकॉन को क्लिक किया, जरा आप नोट करेंगे, या आर्क के जस्ट बाद एक आइकॉन आता है, उसको मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास और प्रॉपर्टी आ गई जिसमें फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ से चेंज करूँ या यहाँ से करूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। फॉन्ट की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ गई, फॉन्ट की साइज भी यहाँ पे आ चुकी है। इन सारी चीज़ों की हम और अलग से बात करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ थी वो यहाँ पे आपको मिल चुकी है। अब मेरे पास आता है ये पॉइंट, जरा आप नोटिस करेंगे, पहला फॉन्ट साइज है उसके जस्ट पास में आपके पास जो ऑप्शन आता है ये वाला, इसमें आप अगर फॉन्ट साइज को अगर ऑटो करते हैं तो आपने नोटिस किया कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में गैप कम हो गया। ठीक है, अगर मैं यही गैप अपने अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है लाइन हाइट को। जब आपको दो लाइंस के बीच में गैप को मेंटेन करना है तो उस पार्ट को हम कह सकते हैं, उस मॉड्यूल को या उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लाइन हाइट। तो अगर आपको लाइन हाइट कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सेट नहीं करना है और फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चाहते सेट हो तो सिंपल सा ऑटो कर दीजिए, उनके बीच में जो स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो दो लाइंस के बीच में भी आप यहाँ से गैप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और मिल रहे हैं, देखिए, जिसमें हम पहले टॉपिक इस पे आते हैं, जस्ट लाइन हाइट के जस्ट नीचे अगर आप बात करेंगे तो इसके अगर हम साइज बढ़ाते हैं, आप जरा नोटिस करेंगे तो हर एक कैरेक्टर के बीच में आप नोट करेंगे स्पेस बढ़ रहा है। ये तो हो गया लाइन हाइट यानी दो लाइंस के बीच में गैप, और ये हो गया हर कैरेक्टर के बीच में गैप। तो अगर कल को आपको हर कैरेक्टर के बीच में गैप बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ये यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ इस ऊपर वाली पूरी लाइन के बराबर हो, तो मैं इसको भी पर्टिकुलर सेलेक्ट करके इसके लाइन हाइट इतनी, जो इनके कैरेक्टर्स के बीच का जो गैप है इतना कर सकता हूँ कि ये आराम से इसके बराबर लगे। तो एज़ पर मेरी रिक्वायरमेंट, मैं अगर कैरेक्टर्स के बीच में भी अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ यानी स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो प्री डिफाइंड कुछ ऑलरेडी लिखे हुए पॉइंट्स, मैं वो भी सेट कर सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह यहाँ पे आप परसेंटेज में भी इसको फैला सकते हैं, चाहे वो हाइट में भी करना चाहें और चाहे विथ में भी करना चाहें। ये स्केल एक तरह की, अगर आप नोट करें, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर मैं ये क्लियर पहले पॉइंट कर दूं, एक है फॉन्ट साइज अलग पॉइंट है, यहाँ पे उसी को ही मैं एक तरह से खींच रहा हूँ, और चाहे वो हॉरिजॉन्टल खींचना चाहे वो वर्टिकल खींचना, तो मैं एक तरह से उसी टेक्स्ट को खींच रहा हूँ, उसी स्ट्रिंग को खींच रहा हूँ। तो ये दोनों जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट है उसके काम आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो इनके बीच जो ये गैप है बॉटम से वो इंक्रीज कर रहा है, ये आप नोटिस करें। तो ये बेस लाइन शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी इसकी बेस लाइन चेंज हो रही है। हालांकि काफ़ी केसेस में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, हम इनको स्टैंडर्डली जैसे 100% सेट होता है सब, वैसे ही सेट करते हैं। बाकी इन सब की चीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए वो वाली बात आ जाए। तो
तो ओवरऑल अगर मैंने इस आइकॉन को क्लिक किया है तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, साइज, लाइन हाइट, दो कैरेक्टर्स के बीच में यानी हर एक कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो, उसको वर्टिकली स्केल और हॉरिजॉन्टली स्केल भी कर सकता हूँ और उनका बेसलाइन शेप भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज आते हैं वो है ये पॉइंट्स। तो अगर कल को मुझे इसको बोल्ड करना है या कुछ और भी करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे अभी आप नोटिस करेंगे मैंने ये हटा दिया यहाँ से ये पॉइंट, तो ये आइकॉन अभी हटा हुआ, तो आप देखेंगे ये लाइट हो गया है पूरे तरीके से, थिन हो गया है। मैं इसको वापस एक्टिव करता हूँ तो ये एक्चुअली जो टेक्स्ट आपने यूज़ किया उसको बोल्ड कर देगा। उसके बाद ऑप्शन आता है जो टेक्स्ट आपने यूज़ किया उसको इटैलिक करना है, तो ये आइकॉन आता है। फिर ऑप्शन आता है कि आपने जो भी टेक्स्ट किया उसको सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है यानी सारे ऑल कैपिटल में करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये चाहते हैं, जैसे इसको मैंने हटाया और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर तो सारे कैपिटल हो गए, इसको जब मैंने क्लिक किया तो जो मैंने स्मॉल केस में लिखे थे यानी लोअर केस में लिखे थे है तो वो कैपिटल ही, मतलब कैपिटल ही आ रहे, अपर केस में आ रहे हैं, लेकिन उनकी साइज जो है वो कम आ रही है। तो जो जैसे वेलकम मैंने लिखा था जिसमें W मैंने कैपिटल लिखा था और बाकी के कैरेक्टर मैंने स्मॉल में लिखे थे, लोअर केस में लिखे थे, तो सिर्फ W की साइज बड़ी आ गई लेकिन ये सारे के सारे वर्ड जो है वो अपर केस में आ गए। तो ये एक पॉइंट अपने पास और हो गया जिसको हम स्मॉल कैप्स भी कहते हैं। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कई बार हमें जैसे लिखना पड़ता है सेकेंड, कई बार लिखना पड़ता है, तो मैंने क्या किया एंड को सेलेक्ट किया और ये मैंने चूज कर लिया जिसमें सुपर स्क्रिप्ट मैं इसको बना सकता हूँ, तो मेरा जो एंड ही है वो ऊपर की तरफ चला गया। ध्यान रखिए सेलेक्ट करना जरूरी है अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। देन और आगे मैं बात करूँ, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट लिया थर्ड, तो मैंने थर्ड को पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, ये जो थर्ड है इसको सुपर स्क्रिप्ट नहीं बना के इसको मैं सब स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो ये सब स्क्रिप्ट की तरह काम करेगा, यानी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा आप काम में ये ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अंडरलाइन चाहिए किसी के अंदर तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी दे सकते हैं। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कई बार ऑफर लगे हुए होते कुछ इस तरीके से कि MRP 2000 की है और आपको हम सेल करेंगे 1500 में, तो 2000 के ऊपर कई बार आपने देखा होगा एक स्ट्राइक लगा होता है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। यानी कि आप आराम से फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, दो लाइन के बीच में स्पेस, हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस, उनकी स्केलिंग चेंज करना, उसके अलावा उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से दे सकते हैं बड़ी आसानी से। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करते हैं। तो ये एक और चीज हो गई। तो अब हम इसको इस लेयर को क्या करते हैं, एक बार हाइड कर लेते हैं और आगे और बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये तो चलो स्ट्रिंग की बात हो गई, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात हो गई, जो टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं पहले से इसका एक बार कलर क्या कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। अब मुझे क्या लिखना है, पैराग्राफ। तो ये मैंने अभी ऑफ नहीं किया है, हम इसी पे आएंगे। तो मुझे जब पैराग्राफ लिखना होता है तो मैंने टेक्स्ट टूल भी अभी भी एक्टिव कर रखा है और मैंने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा लॉरेन इप्सम का पूरा डमी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है, यानी कि कल को अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है, जैसे ये लॉरेन इप्सम है, इसकी मैं साइज कर देता हूँ थोड़ी कम और इनकी लाइन हाइट जो है वो कर देता हूँ ऑटो। उसके अलावा मैं कर देता हूँ इसको मॉन्स्टर लाइट और इस पैराग्राफ को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब जरा आप नोटिस करना कि जो मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप लाइन की थी, ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ये लास्ट लाइन है मेरी, ये मैं यहाँ से लिखे जा रहा हूँ, अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो हाइड हो जाएगा। यानी कि अगर कई बार हम डिज़ाइन बनाते हैं और मुझे मेरा पैराग्राफ पर्टिकुलर एरिया में सेट करना है तो मैं पहले से ही इसको स्ट्रिंग जो टेक्स्ट है उसको सेट कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करके उसमें लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आराम से उतना ही स्पेस कवर होगा जितना मेरे को पहले से ही सेट करना था।
ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ लिखा। अब पैराग्राफ में सिर्फ ये चीज नहीं आती है, अभी हमने कैरेक्टर्स की बात की थी, अब पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रखा है लेफ्ट, सेंटर, राइट, उसके अलावा लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, ओवरऑल जस्टिफाई। तो जो हम वर्ड में जस्टिफाई की प्रॉपर्टी यूज करते हैं दोनों तरह से प्रॉपरली शार्प आ जाए, वही ये चीज है। तो जनरली लेफ्ट जस्टिफाई ज्यादा यूटिलाइज होता है हमारी वेबसाइट के डिजाइन में या फिर कहीं पे भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वहां पे। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऊपर के सब मेन्यू प्लस कैरेक्टर एंड पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी सेम प्रॉपर्टी है इन बाकियों में भी। तो हम अब एक बार जो डिस्कस कर लिया उनको अब बस हम यूज करेंगे। तो ये हमारा एक टेक्स्ट टूल था जिसको हमने बात की थी। तो दोबारा हम अपना जो वर्ड है वेलकम एट WS क्यूब टेक, YouTube चैनल पे आ जाते हैं एंड इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लाइन लिखी हुई आ गई। अब कई बार क्या होता है कि आप जैसे अभी तो हमने क्या बात की हॉरिजॉन्टल, अब बात करते हैं वर्टिकल की भी। तो शिफ्ट के साथ मैं टेक्स्ट टूल चेंज करूंगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कर रखा है कि शॉर्टकट्स तो होते हैं हमारे पास जो भी हमारे पास अवेलेबल है ये सारे, और अगर इनको आपस में इंटरचेंज करना है तो शिफ्ट के साथ हम वही शॉर्टकट की दबा के चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल मैंने टी से एक्टिव किया, अब शिफ्ट के साथ मैं वर्टिकली टाइप टूल्स, वर्टिकली टाइप मास्क और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क दोनों यूज इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो अभी हमारे पास अब क्या है वर्टिकल टाइप टूल की बात करते हैं। तो अभी तक हम जितने भी टेक्स्ट की बात कर रहे थे वो सब हॉरिजॉन्टली टाइप हो रहे थे, अब जो होंगे वो होंगे वर्टिकली। तो जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली की बात की थी उस तरीके से, और जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल की बात की थी उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वर्टिकल भी अपना जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जैसी है वो सारी सेम दे सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसको थिक करना है या जैसा भी प्रॉपर्टी देनी है आप दे सकते हैं, और अपनी जो भी फॉन्ट की साइज है वो जैसी भी आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप हॉरिजॉन्टल के साथ कर रहे थे और यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वर्टिकली टूल को, जो वर्टिकली टाइप टूल है उसको यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली टाइप टूल हो गया, वर्टिकली टाइप टूल हो गया, दोनों केस कवर हो गए। अब बात करेंगे वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। पहले मैं आऊँगा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल पे। कई बार ये स्पेशली कई बार लोगों के केस में भी काम आता है, और कई बार हम क्या करते हैं पीएचडी बनाते हैं। तो पीएचडी में हमें क्या होता है कि कुछ टाइप करते उसके अकॉर्डिंग उसका जो बैकग्राउंड होता है वो चेंज करना पड़ जाता है। तो बैकग्राउंड मुझे जब चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल सा WS क्यूब टेक, ओके फाइन। अभी मैंने ध्यान रखी है हॉरिजॉन्टली टाइप मास्क टूल यूज कर रखा है, और यहाँ मैंने क्लिक किया है WS क्यूब टेक। तो आप देखेंगे बाकी सब हिस्सा जो है ऑरेंज कलर में आ गया है, और ये जो हिस्सा है वो व्हाइट कलर में टाइप हो रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो जितना मैंने लिखा था फॉन्ट फैमिली जैसे यूज करता वैसी डिजाइन सेलेक्ट हो जाती। तो जैसी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे चूज कर रखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा उतना एरिया सेलेक्टेड हो गया। तो कई बार हमें क्या होता है कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ एरिया सेलेक्ट करना होता है तो भी आजकल वो पॉसिबल है, पुराने वर्जन में वो चीज पॉसिबल नहीं थी। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ कलर चेंज कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो लॉक है उसको हटाना पड़ेगा। शेप में आप इस तरीके से कलर सेलेक्ट करके नहीं दे सकते, हमने पहले ही बात कर रखी है। हाँ, कोई इमेज या उसको आप सेलेक्ट करके वहाँ का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है और हमारे पास यहाँ पे ये जो कलर है हमने ये सारे मार्क्यू टूल में पहले डिस्कस कर रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैंने प्रेस किया शिफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस, और यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड सेलेक्टेड था। अब मैं करता हूँ कंट्रोल डी, यानी जो सेलेक्टेड एरिया उसको डिसलेक्ट मुझे करना होता है तो कंट्रोल डी हम प्रेस करते हैं। ये भी हमने मार्केट टूल में डिस्कस कर रखा है, फाइन। तो ये मैंने WS क्यूब टेक लिखा था, अब ये अलग से टेक्स्ट नहीं है, अब ये इस
लेयर का यानी जो बैकग्राउंड है उसमें ये कलर फिल हो गया डब्ल्यू एस क्यूब टेक। सेम केस अभी यहाँ पे ये जो है दोनों ऑप्शन थे, ये टेक्स्ट टूल थे, ये लेयर्स थे, फाइन ये लेयर्स थे, लेकिन ये जो है इस बैकग्राउंड का एक हिस्सा बन गया, यानी इस बैकग्राउंड के ऊपर ही मैंने कलर लिख दिया। अब सेम अगर मैं वर्टिकल की बात करता तो वर्टिकल में भी कुछ इस तरीके से होता, बस जो उसकी लिखने का पैटर्न है वो वर्टिकली हो जाता। तो आपने नोटिस किया ये जब हॉरिजॉन्टल कर रहे थे तब इस तरह से सेलेक्ट हुआ, अब वर्टिकल कर रहे तो वर्टिकली सेलेक्ट हो गया। अगर इन केस आप कोई फॉन्ट फैमिली दूसरी अगर अपन देखें तो अभी हम ये फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी फॉन्ट फैमिली में वो चेंज करेगा। और अब मैं इसका जो कलर है बैकग्राउंड वाला सेट कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ ब्लू, जिसको मैंने चेंज किया शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस से, डिसलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल डी किया। तो अब आप देखेंगे इस बैकग्राउंड के ऊपर इस डिजाइन में मेरा कलर फिल हो गया। तो मैं आराम से अपने वर्डिंग के अकॉर्डिंग मैं कलर फिल भी कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी शेप के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर टेक्स्ट या अपने पैराग्राफ या अपने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कोई एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी अब पॉसिबल है। पुराने वर्जन्स में ये पॉसिबल नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन नए वर्जन्स में ये पॉसिबल है कि मैं मार्क्यू टूल में जैसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं लासो टूल में सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्विक सेलेक्शन में जैसे एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरा जो वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं वो भी पॉसिबल है कर सकता हूँ। तो इन द केस हम जब वेबसाइट बनाएंगे, हम बैनर्स बनाएंगे, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के डिज़ाइन बनाएंगे तो उनमें टेक्स्ट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक तरह से वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी, तो असाइनमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में और इजीली हमारे लिए कवर होता जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि टेक्स्ट यूज करने के लिए हमें टेक्स्ट टूल यूज आता है, फिर उसके अलावा जितनी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक जो हमने कहा था हम बाद में कवर करेंगे, मैं अगेन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक, फाइन। फॉन्ट फैमिली में सिंपल वाली ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो ये मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक लिखा है, अब ये एक लेयर है ना कि बैकग्राउंड के कलर का हिस्सा है। अब यहाँ पे मैंने किया आर्क पे क्लिक, ओके कर देते हैं। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया ओके किया तो मेरे पास स्टाइलिंग बहुत सारी आ गई। मैं जैसे ही इस आर्क पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे ये थोड़ा आर्क के शेप में आ गया, और ना केवल आर्क, मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्च, ब्लज, शेल लोअर, ये सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट यानी मेरा जो टेक्स्ट है मुझे जिस शेप में देना है वो मैं यहाँ पे इजीली दे सकता हूँ। अब हॉरिजॉन्टली मुझे उसको कितना बेंड करना है, ठीक है, उसका कितना डिस्टॉर्शन करना है, उसका वर्टिकली कितना डिस्टॉर्शन करना है, ये सब यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सेम वर्टिकल के केस में भी बात करो तो वर्टिकली कितना बैंड करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कितना करना है, वर्टिकल डिस्टॉर्शन कितना करना है, यानी कि मैं अपने टेक्स्ट को, अपने स्ट्रिंग को, अपने लाइन को, जो वर्डिंग लाइन है मेरी, उनको आर्क या आर्क की तरह किसी भी शेप पैटर्न में सेट कर सकता हूँ और उनको आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैंड और उनका डिस्टॉर्शन भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादातर केस आता है जब आप एक तरह से कह सकते हैं लोगो बनाते हैं या फिर कई बार आप फॉर्म बनाते हैं और आपके लोगो के ऊपर आपको आर्क शेप में अपना कंपनी का नाम लिखना पड़ता है, तो ये उनके केस में बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। और कई बार हमारे लिए वाटरमार्क की तरह भी हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है तो वो भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल हमें जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है हम यूज़ करेंगे, बट हमें चीज़ें बस सब पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी चीज़ पता और आधी नहीं। तो ओवरऑल सब चीज़ें पता है, अब मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूटिलाइज करूँगा। तो ये है हमारा टेक्स्ट टूल, शॉर्टकट है टी, जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल टैप टूल, वर्टिकल टैप टूल, हॉरिजॉन्टल मास्क टूल, वर्टिकल मास्क टूल, फाइन। तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि आने वाले वीडियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टूल का सेपरेट वीडियो भी है, प्लस वेबसाइट की डिजाइन, एंड्रॉइड की डिजाइन, बैनर्स और कई सारे असाइनमेंट्स भी होंगे उसके अंदर। तो उनकी अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए पहले, तो बेल बटन भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।